आप सुन रहे हैं खास ऑडियो सीरीज शांतिवीर, कहानी भारतीय सेना के एक नायाब योद्धा की। बेशक रणवीर कभी भी अपनी तकनीक के बारे में गुमनाम सिंह फट्टे को नहीं बताने वाला था, उसे सिर्फ गुमनाम सिंह को ही जताना था कि उसको उन पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। गुमनाम सिंह फट्टे को अभी भी रणवीर द्वारा किए गए चमत्कार पर विश्वास नहीं हुआ था और उसने छोटा क्यू पर एक बार और नजर डालने के लिए अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। उसे फिर से देखने और कुछ सेकंड सोचने के बाद गुमनाम सिंह ने अपना चेहरा ऊपर खींच लिया। अचानक उसने छोटा क्यू से झिझकते हुए पूछा, सुन मैं डकैत, मुझे ठीक से बता कि वो जो कह रहा है वो सच है या गलत। मैं पहले से ही तुझे कह दे रहा हूँ, मुझसे झूठ मत बोलना। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुझे बता दे रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे विस्फोटक हैं, वो सब तेरे पिछवाड़े के नीचे लगाकर फोड़ दूंगा। छोटा क्यू अपना आपा खो चुका था और अब याचना कर रहा था। वो सच कह रहा है, सच में, कृपया मुझ पर विश्वास करो। अगर वो आज रात यहाँ नहीं होता तो कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाता और मेरे शरीर को इस तरह से ना घुमा पाता। ये उसका ही किया धरा है। मैं अभी बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा हूँ और मेरा दर्द असहनीय है। गुमनाम सिंह देख सकता था कि उसके चेहरे से दर्द के भाव झलक रहे थे और वो झूठ नहीं बोल रहा था। कृपया उससे पूछें कि क्या मैं फिर कभी चल पाऊंगा या नहीं। क्या वो मुझे पर्याप्त रूप से सलाह देने के बाद इस स्थिति से मुक्त कर सकता है? गुमनाम सिंह कहता है, मैं उससे बात करके देखता हूँ, देखे वो मेरी बात सुनता है कि नहीं। लेकिन एक बात याद रखना बच्चू, मेरे इस होटल की तरफ आगे से कभी रुख मत करना। अब मेरे पास तरह तरह के बम ही नहीं है, एक एटम बम भी है। उसने रणवीर की ओर इशारा किया और कहा, ये आदमी वो मेरे देश की पुलिस का है। और सुन, अब मैं और मेरे गार्ड्स ही इस जगह की सुरक्षा नहीं करेंगे, हमारे पास अब बाहरी मदद भी है। मेरे देश की स्पेशल पुलिस फोर्स बहुत जल्द यहाँ आने वाली है। इसके बाद अब गुमनाम सिंह के पास रणवीर पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं बचा था। गुमनाम सिंह ने पलटकर रणवीर की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदलाव से भरा था। एक पल वो उदास हो रहा था तो दूसरे पल भावुक, लेकिन अंत में वो इतना खुश हुआ कि वो जोर से हंसने लगा। गुमनाम सिंह ने सम्मान में धीरे से अपना अंगूठा उठाया और होटल में मौजूद सभी लोगों से कहा, प्रिय भाइयों और उनकी बहनों, ये डाकू छोटा क्यू वास्तव में सुन रहे हैं और बिल्कुल भी हिलने की स्थिति में नहीं है। मैं गुमनाम सिंह फट्टे आप सभी के सामने स्वीकार करना चाहता हूँ कि मेरे देश के इस आदमी रणवीर सिंह नेगी ने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। जब गुमनाम सिंह ने घोषणा की तो उसके चेहरे पर एक गर्व का भाव था। रणवीर ने उसे कई दफा देखा और धीरे से मजाक करते हुए उससे बोला, फट्टे भाई भविष्य में सावधान रहना। आप विदेशी लोगों की प्रशंसा करते नहीं थकते हैं, लेकिन अपने देश के लोगों को बिल्कुल नीची नजर से देखते हैं। आपको एहसास होना चाहिए कि आपका देश कितना महान है, और छोटा क्यू जैसे डकैतों को वश में करने के लिए हमारे देश की प्राचीन मार्शल आर्ट्स के कितने कम इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। मुझे माफ कर दो रणवीर मेरे भाई, मेरा दिमाग खराब हो गया था। पिछले कुछ दिनों से मेरी बाई पलके फड़क रही है, इसलिए मुझे डर था कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। आप सही कह रहे हैं, मैंने एक गलती की है। इसका सामना करते वक्त मैं इससे डरा हुआ था। गुमनाम सिंह फट्टे ने फिर उसकी कमर पर हाथ रखा और अपनी बुलंद आवाज में चिल्लाकर अपने बावर्ची को बुलाया, अरे वो खान साहब कहाँ है तू? लेकिन उसकी पुकार को सुनकर कोई सामने नहीं आया, तो फिर उसने खींच कर चिल्लाते हुए वहां मौजूद वेटर से कहा, कहाँ मर गए हरामखोर? भगवान की कसम, जब भी मुझे उसकी जरूरत होती है वो हमेशा गायब हो जाता है। फिर उसने अपने वेटर से कहा, वेटर्स तुम लोग यहाँ भूत की तरह खड़े होकर क्या देख रहे हो? उठो और उसे ढूंढो, और जब तुम उसको खोज लो तो उसे फौरन रसोई में जाकर चूल्हा जलाने को कहो। और उन्हें फीट सब अपने अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, काम छोड़ो, जाओ 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 और उसे ढूंढो, ढूंढो उसे, फौरन निकालो। उससे कहना कि पहले पुदीने की चटनी और अंडा भुर्जी बनाए, उसे मुर्ग मसल्लम बनाने के लिए भी कहना, यही नहीं उसे मटन गोश्त या मटन कोरमे बनाने के लिए भी कहो। वो उस बकरी का उपयोग कर सकता है जिसे मैंने अपने लिए सुबह आधा पकवाया था। उसे मेरे लिए खरीदे गए सभी अच्छे खानों को पकाने के लिए कहो, और यहाँ अपने सभी मेहमानों दोस्तों को मेरी तरफ से आज एक दावत दो, उन्हें भोजन या शराब के लिए कोई पैसा चार्ज मत करना। मैं बिल पर साइन कर दूंगा और इन खर्चों का मैं भुगतान करूंगा।
फ्रेंड्स, द पार्टी इज ऑन द हाउस टुनाइट। उसने वहां मौजूद लोगों से कहा और फिर उसने छोटा क्यू की तरफ मुड़कर देखा। रणवीर ने अपनी उंगलियों से उसके कान के पीछे उसकी गर्दन पर कुछ किया। रात के अंधेरे और धीमी रोशनी के नीचे वो ये तो नहीं देख पाया कि रणवीर ने क्या किया है, लेकिन अब छोटा क्यू के शरीर के धड़ के अंदर से दो मोटी गर्दन की टेंडन फिर बाहर निकल आई और उसे दिखाई देने लगी। धीरे धीरे उसका उलझा हुआ शरीर भी खुलने लगा और उसकी आंखों के सामने सुलझ कर सीधा होने लगा। छोटा क्यू के हाथ और पैर मुड़ी हुई अवस्था से धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौटने लगे। चंद मिनटों में छोटा क्यू अपने आप ही रणवीर की इस अजीब कैद से आजाद हो गया। छोटा क्यू फिर लुढ़क कर अपनी पीठ के बल गिर गया और बिना ज्यादा हिले ढुले वही लंब लेट होकर पड़ गया। सांस के अटक जाने से वो थक गया था और वो लेते लेते ही हवा के लिए हांफने लगा। थोड़ी देर बाद वो बिना थोड़ा सा भी हिले बस उसी स्थिति में एक हल्की सी आवाज में बोला, पानी। फिर रुक गया क्योंकि उसके आगे उससे कुछ और नहीं कहा गया। एडोल्फ ने छोटा क्यू के साथ लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। भले ही वो देख सकता था कि छोटा क्यू वहां से भागने या उन पर हमला करने की स्थिति में नहीं है, हेलिस के ब्रूसली ने झट से एक रस्सी खोजी उसके हाथ और पैर बांधने के लिए और बिना समय नष्ट किए छोटा क्यू के हाथ और पैरों को उससे बांध दिया। तभी वहां खड़ा एक व्यक्ति जिसने खुद को जॉर्डन के नाम से परिचय कराया एक लंबी लकड़ी की लाठी को लेकर छोटा क्यू के बंधे हाथों और पैरों की रस्सी के भीतर से उस लाठी को अंदर घुसा दिया। फिर उसने एक आदमी की मदद से छोटा क्यू को इस लकड़ी की लाठी से उठाकर ले गया और फिर छोटा क्यू सहित उस लाठी को पास ही मौजूद लोहे के दो खंभों के बीच लटका दिया था। पुराने जमाने में जब शिकारियों को आदमखोर बाघ या अन्य इंसान को खाने वाले जानवरों को गोली मारने की अनुमति दी हुई थी, तब शिकारी लोगों को बचाने के लिए बाघ को मारकर या घायल कर दिया करते थे और फिर उन लोगों की मदद से उस जानवर के पैर और हाथ बांधकर इसी तरह से गांव में लेकर लौटते थे। लेकिन जानवर को इस हाल में लाने के लिए शिकारी को पहले जानवर को मारकर या घायल करके नीचे गिराना पड़ता था और तब वो लोग उसे इस तरह नियंत्रित कर पाते थे। रणवीर ने तो बिना कोई गोली चलाए ही छोटा क्यू को इस तरह बेहाल कर दिया था। छोटा क्यू अब उस खतरनाक जानवर की तरह लाचारी से उन दो लोहों के खंभों के बीच वैसे ही लटक रहा था। वो ना तो भाग सकता था और ना ही अपने आसपास के लोगों को कोई नुकसान पहुंचा सकता था। वो एक भीगे हुए कपड़े के टुकड़े की तरह लग रहा था जिसे अच्छी तरह से धोया गया हो और सूखने के लिए हवा में रस्सी से बांध दिया गया हो। होटल के वेटर शीघ्र ही लौट आए और बड़ी प्लेटों और बड़े कटोरे में लोगों को डिशेस परोसने लगे। जिस मेज पर रणवीर, एडोल्फ और गुमनाम सिंह फट्टे बैठे थे, उन्होंने उस पर 5 पाउंड पका हुआ बतख परोसा जिसने उस टेबल का पूरी तरह से एक बड़ा हिस्सा ले लिया। गुमनाम सिंह फट्टे फिर अपने तहखाने के अंदर गया और न्यू ईयर ब्रांड की महंगी शराब का एक क्रेट लेकर वापस लौटा। फिर उसने न्यू ईयर की शराब की बोतल उठाई और अपने दांतों से उसका कार्क खोल दिया। उसके बाद वो उठा और उसने कार्क को जमीन पर थूक दिया और चेहरे पर मुस्कान लिए खुशी से चिल्लाया, चलो इसे पीते हैं। मैं इन बोतलों को 20 साल से छुपा रहा हूँ। जश्न मनाने का कोई अवसर ही नहीं मिला था इन 20 वर्षों में जिसकी वजह से मैं इन बोतलों को खोल सकूं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक एक। उसने शाम के अपने मेहमानों के लिए ये घोषणा की और फिर अपने वेटर में से एक से कहा, ए बेरा, उस लॉबस्टर को मेरे लिए अच्छी तरह से भूने, मुझे लॉबस्टर खाना बहुत पसंद है शराब के साथ। रणवीर ने चुपचाप अपने साथ बैठे लोगों की ओर देखा जो असाधारण रूप से उत्साही हो गए थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो नशे में धुत लोगों के समूह के साथ क्या करने जा रहा है। एडोल्फ ने देखा कि बार काउंटर पर दो बड़े चूल्हे लगे थे। रसोइये द्वारा सॉस के साथ दो बड़े लॉबस्टर को ओवन में भेजा जा रहा था। स्वादिष्ट पके हुए लॉबस्टर्स की सुगंध बाहर निकल कर आने लग गई। एक्सपेक्टेशन में एडोल्फ के मुंह में पानी आने लगा। इतने महंगे और स्वादिष्ट खाने को उसने सालों से नहीं खाया था। खाने का ऐसा लालच दिखाकर वो रणवीर के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि रणवीर उसको पेटू कहकर बुलाना शुरू कर दे। अभी कुछ देर पहले ही तो रणवीर ने उसे एक शानदार नाम दिया था, ब्रूसली ऑफ हेलिस।
इसलिए उसने अपनी लार निगल ली, लेकिन वो खुद को अपनी उंगलियों को चाटने से नहीं रोक पाया और उनको चाटते हुए उसने कहा, वाह, वास्तव में यहाँ एक शानदार दावत परोसी जा रही है। अब मैं वास्तव में आपके लोगों की मेहमान नवाजी देख रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ कि मेहमानों के साथ आपके देश में कैसा व्यवहार किया जाता है। गुमनाम सिंह फट्टे ने अपने हाथ में न्यू ईयर की शराब की बोतल उठाई और जोर से चिल्लाया, भाइयों आओ और आकर एक एक बोतल अपने लिए ले लो। आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ और काफी खुश भी हूँ। इससे पहले कि वो अपनी बात समाप्त करता, उसने देखा कि बहुत से लोग उसकी ओर देख रहे हैं। उसने जल्दी से अपनी छाती थपथपाई और समझाया, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। मेरे देश के लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। मैं कंजूस या डरपोक नहीं होते हैं। हम लोग बहुत दरिया दिल, बहादुर और मजबूत होते हैं। उसने शराब का एक बड़ा घूंट लिया और ये कहने से पहले अपनी बोतल लगभग खत्म कर दी। देखो, ऐसे पीते हैं मजबूत लोग। क्या आपको नहीं लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है? इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता या आकर उससे इस महंगी शराब की दूसरी बोतल ले लेता, उसने अपनी खुद की बोतल खत्म कर दी और शराब के क्रेट से एक और बोतल निकाली और उसका कार खोलकर फिर से जल्दी जल्दी पीने लगा। उसके बाद उसने उनसे कहा, अब आप क्या कहते हैं? क्या इस तरह शराब पीना एक ताकतवर इंसान की निशानी नहीं है? गुमनाम सिंह ने अपनी नई बोतल से शराब का एक और बड़ा घूंट लिया और दूसरी बोतल लगभग खत्म कर दी। फिर इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? भारत के लोगों के शब्दों में गुमनाम सिंह फट्टे न केवल नशे में था, बल्कि वो घमंडी और थोड़ा स्वार्थी भी था। वो ये दिखाना चाहता था कि उसका दिल बड़ा है, लेकिन वो अपनी अधिकांश महंगी शराब खुद पीना चाहता था। वो दूसरों से शायद अपनी महंगी शराब बांटना ही नहीं चाहता था। ये वास्तव में भारतीयों के मेहमान नवाजी का सच्चा नमूना नहीं था। इस तरह के व्यवहार को भारत में अभद्र माना जाता था। भारत के अच्छे व्यवहार वाले लोग कभी भी विनम्रता की रेखा को पार नहीं करते हैं और नशे में फट्टेबाजी करने वालों को नीची नजरों से देखा जाता था। रणवीर ने गुमनाम सिंह के इस मूर्खतापूर्ण व्यवहार को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उसने देखा कि वहां बैठे अन्य लोग भी नशे में धुत थे और निर्णय करने की अपनी शक्ति खो चुके थे और वे खुद ही अच्छे नैतिक आचरण के मॉडल की तलाश नहीं थी। इसलिए उसे ज्ञान देव अग्निहोत्री बनने का कोई शौक नहीं था। वो अपने आसपास के उपद्रव के प्रति उदासीन रहा और बस अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए वहां बैठा रहा। उसने अपना गिलास उठाया और उसे गुमनाम सिंह के साथ मिला दिया। इसे धीरे धीरे पियो और शांत रहने की कोशिश करो।